कितनी दूर लगेगा खा सीट के? बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर जंगल से छड़ा है लड़का का पानी का छंगा रहे हैं। अकेले छड़ा है, अकेले आप हिम्मत पड़ गई नटारा की लाठी डंडा कुछ अकेले। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। शायर मुनव्वर राणा की ये लाइनें इस बच्चे पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिसकी जिंदगी उसकी माँ ने एक तेंदुए के जबड़े से छीन ली। हमने ना जाने माँ की ममता की कितनी कहानियां सुनी होंगी। वो कभी मार कर प्यार जताती है तो गुस्से में रो भी देती है। ऐसी ही एक साहसी माँ की सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे हम जिस माँ की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम किरण बेगा है। बेगा बड़ी झरिया गांव की रहने वाली है। ये गांव मध्य प्रदेश के सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, जो भोपाल से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। पास है मेरी समाज साथ है, तो उठा के लाइ गई कूद के लपीट के तब लड़का को उठाई तो पीछे पीछे कितनी दूर लगेगा खा सीट के? बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर जंगल से छड़ा है लड़का का पानी का छंगा रहे हैं। अकेले छड़ा है, अकेले आप हिम्मत पड़ गई नटारा की लाठी डंडा कुछ अकेले। अंधेरी रात थी? अंधेरी रात, मतलब पीछे पीछे आप भी दौड़ते गए? बस जब लड़का छड़ा के घर में लाए हैं तब फिर जानते जुड़े हम बाद में। तो नहीं जब अपन छड़ावे गए तो कुछ हमला करी अपन ऊपर? नहीं हमला करे, मान लो जब लड़का हम छड़ा है लड़के के पीछे से दौड़ा तो लड़का खा था कुछ पौन तब पहुँच के बैठ गए ठीक ना। जब फिर सामने से गए तो फिर ऐसे हाथ की पान लड़का का जबरदस्ती फिर खींचे हैं तो फिर नहीं छुई नहीं छुए। फिर जब लड़का कनिया में लगे कहें राजा तू ना छोड़ा चिपी जा कितना बार खींची तू खिंचा ना ये तो फिर दौड़ी है ना दौड़ी तो फिर ऐसे खींच का पान तो फिर एक फिर आदमी लोग बाघ हल्ला करे लागी तो कुछ आवाज सुनी दुई दाँत फिर चौकी आई पर नहीं खड़ा पाए। दरअसल आदिवासी माँ किरण बेगा अपने 3 बच्चों के साथ झोपड़ी के अंदर अलाव के पास बैठी थी। छोटा बेटा गोदी में था और बाकी 2 बच्चे आसपास खेल रहे थे। तभी अचानक तेंदुआ आया और 6 साल के बच्चे को जबड़े में जकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। माँ ने जब ये देखा तो वह अवाक रह गई। उसे कुछ नहीं सूझा, वह चिल्लाती हुई तेंदुए का पीछा करने लगी। माँ की जान तो वैसे भी उसके बच्चे में ही बसती है। करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाने के बाद तेंदुआ रुका। माँ ने अपने हाथों में सिर्फ पतली सी छड़ी ली हुई थी। वो तेंदुए से डरी नहीं और साहस के साथ उसका सामना किया। तेंदुए ने महिला के ऊपर भी हमला किया, वह जख्मी हुई लेकिन अपने बेटे को आखिरकार जिंदा बचा लिया। उसने बेटे को तेंदुए के पंजे से छुड़ा लिया और गोदी में उठा लिया। थोड़ी देर बाद गाँव वाले भी वहां पहुंच गए। इसके बाद महिला बेहोश हो गई। लोगों ने कहा कि ये माँ सच में शेरनी है, जिसने अपने लाल को कुछ नहीं होने दिया। वह खुद जख्मी हो गई लेकिन बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर लिखा है कि काल के हाथों से बच्चे को निकालकर नया जीवन देने वाली मां को प्रणाम। प्रदेश के सीधी जिले में हुई तेंदुए का 1 किलोमीटर दूर पीछा कर माँ अपने कलेजे के टुकड़े के लिए उससे भिड़ गई। मौत से टकराने का ये साहस ममता का ही अद्भुत स्वरूप है। माँ श्रीमती किरण बेगा का प्रदेशवासियों की तरफ से अभिनंदन। वैसे दोस्तों माँ ऐसी ही होती है जो अपने आप से पहले बच्चे की परवाह करती है। माँ को भले ही कुछ हो जाए लेकिन वह अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देती। दोस्तों इस साहसी माँ की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।